आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। भटेंडी में विधानसभा पिरान कलियर से आम आदमी पार्टी के इंजीनियर शादाब आलम विधानसभा कलियर के सभी गांव में घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं उन्होंने ग्राम भटेंडी राजपूताना का दौरा किया। इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि मुझे भटेंडी गाँव में 5 गुने बहरे बच्चों का परिवार देखने को मिला है, लेकिन इनकी भाजपा सरकार में कोई मदद नहीं हुई है। इस परिवार पर आज तक किसी पार्टी के नेता या मौजूदा विधायक ने कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय फुरकान अहमद जी, ये जो बच्चे हैं, गूंगे बहरे हैं, इनकी आवाज आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? और नहीं पहुंची तो इसका मतलब आपने कभी क्षेत्र के अंदर घूम के ही नहीं देखा, आपने कभी इन गरीब लोगों की आवाज ही नहीं सुनी। आप सिर्फ महलों के अंदर रह रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो ये कांग्रेस और बीजेपी ड्रामा करे फिर रही है ना पूरे प्रदेश के अंदर, जो हजारों करोड़ रुपए के बजट की बातें करते हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, आज कंडीशन देख लीजिए आप। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे मुद्दे, कोई भी ऐसे तरीके जो कि इन गरीबों तक बात पहुंच, इन गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंच सके। और हमारे माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, अगर आप तक ये आवाज मेरी पहुंचे, बीजेपी तक मेरी आवाज पहुंचे, क्योंकि बीजेपी प्रेजेंट है अभी, तो इन गरीबों की सुनिए। ये लाचार और परेशान लोग हैं, इनके बच्चे गूंगे और बह रहे हैं ना सरकार। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चकराता से 5 किलोमीटर दूर नवीन चकराता टाउनशिप बसाने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 करोड़ रुपए की सौगात के रूप में दिए। बता दें कि चकराता टाउनशिप के मास्टर प्लान की आधारशिला पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और मौजूदा भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने रखी थी। चकराता छावनी क्षेत्र विदेशी पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित होने के चलते तमाम अड़चनों के चलते हुए महत्वाकांक्षी योजना परवान नहीं चढ़ पाई थी। स्थानीय जनता की मांग और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के मध्य नजर चकराता छावनी क्षेत्र की सीमा से बाहर चकराता मसूरी स्थित राजमार्ग पुरोड़ी स्थित माकटी नागनाथ लखवाड़ से यमुना नदी तक नवीन चकराता टाउनशिप विकसित किए जाने, इसके समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 करोड़ की धनराशि टाउनशिप प्लानिंग विभाग को स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है। साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने कहा कि चकराता से दूर नवीन चकराता टाउनशिप विकसित होने के साथ ही क्षेत्र के पर्यटक स्थल और विकसित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के द्वार खुलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर भी एक हद तक रोक लगेगी। टाउनशिप बनेगी जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉटेजेज, टूरिस्ट के दूसरे और आयाम स्थापित होंगे, दूसरे और चीज़ें बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो पलायन हो रहा है, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे 10-12 हज़ार बच्चे तो अब यहीं आपको विकास नगर देहरादून में मिलेंगे, जो अनएम्प्लॉयड है उनको स्वरोजगार मिलेगा, अपनी जगह पर अपने अपने व्यवसाय पे खुद अपना काम करेंगे। नई टिहरी में ट्रेजरी के 2 कैशियरों जयप्रकाश और यशपाल की गुमशुदगी के मामले में ट्रेजरी द्वारा दोनों कर्मचारियों पर नई टिहरी कोतवाली में 409 आईपीसी धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज कराया गया है, जिसमें 2 और लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से छानबीन करने पर ऋषिकेश में जयप्रकाश की गाड़ी मिली है, जिसमें से 103 सरकारी फाइलें बरामद हुई है, जिसमें 101 फाइल ट्रेजरी और 2 निर्वाचन संबंधी है। दोनों कर्मचारियों पर अभी तक करीब 2 करोड़ 21 लाख के गबन का आरोप है। एसएसपी का कहना है कि जनपद स्तर पर एसआईटी का गठन कर मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये ट्रेजरी के 2 कर्मचारी हैं, जयप्रकाश और यशपाल। इनके परिजनों ने 27 दिसंबर को कोतवाली नई टिहरी में आके एक शिकायत, मतलब गुमशुदगी रजिस्टर करवाई थी। दोनों की मिसिंग, ये दोनों के परिजन रहते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये जो दोनों लोग हैं अपनी गाड़ियों के साथ गुमशुदा हैं और इनका इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो कोतवाली में एक मिसिंग रजिस्टर करी गई दोनों के खिलाफ पुलिस ने, और मिसिंग की जो तफ्तीश एक सब इंस्पेक्टर को दी गई, और अभी वो तफ्तीश शुरू हुई थी तो ये कल को ट्रेजरी ने एक 409 IPC का केस रजिस्टर करवाया है और इन दोनों कर्मचारियों पर, उसके अलावा 2
और हैं जिन पे कि इन्होंने केस रजिस्टर करवाया है 409 IPC का, और उसमें धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया गया है। दो गाड़ियां जो जो बताया गया था कि लेके गए हैं, उसमें एक गाड़ी जो है वो बरामद हो गई है, जिसमें 103 फाइलें उनकी, जिसमें 101 फाइलें जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की हैं और दो फाइलें चुनाव। लक्सर में रेल गति के ट्रायल के दौरान एक हादसा बाल बाल चला। पिछली बार हुए ट्रायल में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने इस बार भारी सतर्कता के बीच ट्रायल किया। प्रत्येक रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। गाड़ी निकलने से कुछ देर बाद गन्ने से लदा एक ट्रक आया और रेलवे क्रॉसिंग पर लगे हाइट कटर में फंस गया। गन्ने से लदा ट्रक हाइट कटर के नीचे इस तरह फंस गया कि आगे से उठ गया और मौके पर खड़े पुलिसकर्मियों और रेलवे कर्मचारियों ने मुश्किल से इस ट्रक को रुकवाया। अगर रेलवे पुलिस और रेलवे क्रॉस कर्मचारी सतर्कता नहीं दिखाते तो गन्ने से ओवरलोड भरा ये ट्रक हाइट कटर को तोड़ते हुए लाइन के ऊपर खींचे बिजली के तार में टकरा जाता, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हाइट कटर को तोड़ने के बाद ट्रक के पलटने का खतरा भी बन गया था, जिसके पास से निकल रहे छोटे वाहन इसकी चपेट में आ सकते थे। वहीं लक्सर की सड़कों पर दौड़ रहा ये ओवरलोड लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। मौके पर पहुंचे रेल और पथ निरीक्षक ऋषिपाल सिंह ने कहा कि फिलहाल इस ट्रक को RPF और सिविल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बंदों की जो है 2-3 लेयर एक्स्ट्रा थी। हमारे गेट से पहले एक हाइट गेज होता है, उस हाइट गेज पर गन्ना कोई भी टकराना नहीं चाहिए, और वो इस पोजीशन में आ गया था कि उसको हमने बड़ी मुश्किल से रोका और उसकी अगला जो पोर्शन था ट्रक का वो भी फ्लो हो गया। और बराबर से जो पैसेंजर जा रहे थे, स्कूटर वाले जा रहे थे, कार वाले जा रहे थे, उससे उनके ऊपर पलटने से बचा। कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव बनाया जाने पर पार्टी हाईकमान हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने हाईकमान गणेश गोदियाल और प्रकाश जोशी और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद और किसानों का धन्यवाद किया, जिनके प्यार और आशीर्वाद से उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। नौजवान कार्यकर्ता को आगे आने के लिए क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार के कारण उनको इस पद को दिया गया है, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर कांग्रेस के साथ खड़ा होकर आगे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के साथ खड़े रहना और लगन से कार्य करना क्या उन्होंने वादा किया। कांग्रेस के हाईकमान द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी और श्री बड़े भाई प्रकाश जोशी जी के आशीर्वाद से मेरी मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता, जो कि मैं पहले यूथ में कोटाबाग का ब्लॉक अध्यक्ष था, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की मेहनत और लगन को देखते हुए प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है, तो मैं इसमें अपने हाईकमान का, गणेश गोदियाल जी का और बड़े भाई प्रकाश जोशी जी का और क्षेत्र की जनता, जिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहा है। झबरेड़ा विधानसभा के विधायक देशराज कर्णवाल ने 3 गांव में 4,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। वहीं हनुमान मंदिर में 3,00,000 रुपए का काम फीता काट कर किया और देशराज कर्णवाल लगातार अपनी विधानसभा में विकास कार्य कर रहे हैं। विधानसभा में लगभग 600 से 700 सड़कों का जाल विधायक देशराज कर्णवाल ने बुन डाला है, तो लगातार सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि झबरेड़ा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे अपनी विधानसभा में देशराज कर्णवाल लगातार काम कर रहे, विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे। विधानसभा में लगभग 600 से 700 सड़कें बनाने का जो काम है अभी तक वो कर चुके हैं। ये उद्दलीडी से मुंडिया की जो एक रास्ता जाता है, इस पे 5-6 गांव हमारे किसानों के बहुत लाभान्वित होते हैं। कुमराड़ी, कुमराड़ा, लैबोली, मुंडे, ये अपना उद्दलीडी, मन्नाखेड़ी, ये सभी किसानों के लिए बहुत पुरानी एक मांग थी। अब से लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ पे SDM महोदय भी मौके पर आकर निशानदेही कराकर गए थे, लेकिन उसके बाद भी सरकारें आती रही, ये रास्ता नहीं बना। अब की बार भाजपा की सरकार में माननीय विधायक देशराज कन्वाल जी द्वारा उनके प्रस्ताव पर PWD ने पहले टुकड़े में ये हमारे आधा रास्ता तैयार कर दिया था, जो आप लोग देख भी रहे हैं, जिससे चल के आए हैं, और ये आगे का टुकड़ा भी आज इसका उद्घाटन हो गया है। ये निश्चित रूप से अच्छी सड़क बनेगी और लगभग 7-8 गांव को इसका लाभ होगा। इससे सभी किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं का गांव है, और मैं ये कह सकता हूं कि आज इस गांव के सर्वांगीण विकास में ये 3
लोकार्पण। रविदास मंदिर से मेन हाईवे तक, हाईवे से दूसरे हाईवे से मंदिर तक और मुंडिया की से उद्दल एड़ी तक तीन सड़कें इस गांव की है। एक सड़क 31,51,000 की है, एक सड़क 80,39,000 की है, एक सड़क 11,00,000 की है। ये तीन सड़कें जिसका लोकार्पण मैंने आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में किया है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। गुरु रविदास जी ने भी कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज ये कुल मिलाकर के जो कुल लागत है 4,35,00,000 हो जाएंगे, 11,00,00,000 और मिलकर के 4,24,00,000 और 11,00,000 जिला योजना से मैं करवा रहा हूँ। तो ये 4,00,00,000 जोशीमठ पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव और ध्यान बद्री उर्गम घाटी को जोड़ने वाली सड़क हेलंग उर्गम मोटर मार्ग अचानक चट्टान दरकने के कारण बुरी तरह से धंसकर बिखर गई है। किलोमीटर 4 के मध्य टूटने के कारण यातायात बाधित हो गया है, जिस कारण पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन आए 250 से अधिक पर्यटक यहां फंस गए हैं। बता दें कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग सड़क 20 पर अधिक गांव की जीवन रेखा की लाइफ लाइन मानी जाती है, जिसमें 5 केदार के कल्पेश्वर, पंच बद्री के ध्यान बद्री, डुमुक कलगोट केमाड़ और अन्य जगह को जोड़ता है और साथ ही ये कई गांव हैं और इस सड़क से जुड़े हुए हैं। मोटर मार्ग के बंद होने से लोगों को मूलभूत सामग्री लाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार उर्गम घाटी को पर्यटन सर्किट से जरूर जोड़ा है। ये पर्यटक सड़क की दशा देखकर घाटी में आने से कतरा रहे हैं। उर्गम घाटी के विकास में हर समय बाधा डालती है। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग सड़क सुधरती है तो पर्यटन खुद ही सुधर जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।